हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूं लास्ट वीक में जो भी बेहतरीन जॉब्स आई है आप लोगों के लिए, उसका एक समराइज वीडियो रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना, आप में से जो भी एलिजिबल हो आप सारे अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग वैकेंसीज आई थी और आपको सेटअप में थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा बिकॉज मैं दिल्ली आया हूँ, आप में से बहुत सारों को पता है, और बहुत ही जल्दी एक सरप्राइज भी आने वाला है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और आपका कोई दोस्त यहाँ पे एलिजिबल हो, बहुत सारी जॉब्स है तो किसी में तो एलिजिबल होगा कोई दोस्त, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, उसको काफी हेल्प मिल जाएगी। लाइक का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स, जल्दी से कर दो। नाउ सबसे पहली जो अपडेट है, बीपीसीएल की लास्ट वीक में जो अपडेट आई थी जिसमें ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे 168 पोस्ट थी और ग्रेजुएट डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते थे। खास बात इस नोटिफिकेशन की ये थी कि इसके अंदर 25,000 मिल रहे थे, ऑलमोस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन है, बेसिक्स है, इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप एलिजिबल होना इसमें अप्लाई जरूर से कर देना क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है और साल में एक या दो बार इस टाइप की अप्रेंटिसशिप आती है जिसमें स्टाइपेंड बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो SBI की तरफ से भी अप्रेंटिसशिप आई थी। आपको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो में सिर्फ अप्रेंटिसशिप ही भरी हुई है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है। SBI की तरफ से भी अप्रेंटिसशिप आई थी जिसके अंदर 6,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी, 15,000 पर मंथ आपको मिल जाएगा, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक रिटन टेस्ट होगी जो कि बहुत सिंपल है जिसकी तैयारी आप एक महीने में कर सकते हो। सो आप अगर एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करना। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बीपीसीएल में इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेस और डिप्लोमा की कुछ ब्रांचेस अप्लाई करती है लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो ISRO की तरफ से भी यहाँ पे ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी जिसके अंदर 8,000 से 9,000 यहाँ पे पर मंथ आपको मिल जाएगा, 23 वैकेंसीज इसमें थी और इसकी लास्ट डेट 22 जुलाई है। डायरेक्ट सिलेक्शन है, यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद DRDO की तरफ से भी ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की थी जिसमें 57 वैकेंसीज, और देखो यार ISRO एंड DRDO की जो स्टाइपेंड है 8,000 से 9,000 के करीब मिलेगा। सो अगर आप एलिजिबल हो चेक कर लेना, यहाँ पे मौका अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हो, अभी सिर्फ फाइंड कर रहे हो, कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो अगर लोकेशन सारी चीजें आपके फेवर में आती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं CSIR की तरफ से, यहाँ पे NL के अंदर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में वैकेंसी आई थी। NL की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और इसके जो वीडियो है फ्राइडे के करीब आई थी और जितनी भी मैं वीडियोस बनाई है ना उसकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा तो बेफिक्र रहिए। उसके बाद बात करें तो 21 वैकेंसीज एंड ये स्टार्ट हो चुकी है, 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई जरूर से करना, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं CSIR की, CBR है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी थी जिसमें 11 पोस्ट 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, अगर आप 12th पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, मौका इसमें भी अच्छा है। देखो यार सैलरी आपको जो है वो 12th लेवल के मिलेगी लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट है तो आपको जो यहाँ पे वो परमानेंट वाला जो फैक्टर है ना वो आपका कवर हो जाएगा। हाँ आप बीच में से अगर चाहो तो कोई एग्जाम देके इसको अपग्रेड कर सकते हो लेकिन अभी आप यहाँ पे अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं IOCL रिक्रूटमेंट जो कि रिसेंटली अनाउंस हुई, इसकी वीडियो अभी तक मैंने बनाई नहीं है, बहुत जल्दी इसकी वीडियो लेकर आऊंगा। इसके अंदर गेट 2021 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जुलाई 26 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, 2021 गेट है तो भाई फाइनल ईयर भी मोस्टली होगा। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर आप चाहते हो इसकी वीडियो अलग से चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं IREL की तरफ से थी। अब यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज अब मैं डिस्कस करूंगा ये शायद आखिरी वाली है फ्रेशर्स की और है कुछ, चलिए देख लेते हैं। तो इसके अंदर टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी थी और अगर लोकेशन की बात करें तो मनावाला कुरीची ये लोकेशन है, अगर मुझसे मिस्टेक हो रहे हो तो आई एम सॉरी। 21 वैकेंसीज एंड 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, जरूर से देखूंगा, अगर मुझे लगेगा इसकी अलग वीडियो बनानी है तो बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। उसके बाद CDAC की तरफ से वैकेंसी थी, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे BTech अप्लाई कर सकते हैं, 25,000 से 31,000 इसमें सैलरी रहेगी, चेन्नई लोकेशन होगा और 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। सो अगर एलिजिबल हो अप्लाई जरूर से करना। उसके बाद आता है इनकम टैक्स की तरफ से, यहाँ पे रिक्रूटमेंट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स
टेक्स असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ और यहाँ पे 155 पोस्ट है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 से यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होते हैं। मुंबई लोकेशन होगा, 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 155 है। बैचलर्स डिग्री एंड 10 स्टैंडर्ड चाहिए अगर आप इसमें आते हो। अगर इसकी डिटेल वीडियो देखो, सारी वीडियोस पॉसिबल नहीं है, मैंने बनाई नहीं है। अगर आप चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की डिटेल वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताना, जरूर से बनाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, गेल की तरफ से रिक्रूटमेंट है जिसमें सिर्फ एक्सपीरियंस्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो चेक कर लेना आप। देखो एक्सपीरियंस कैंडिडेट क्या होता है ना, उनको पता होता है कि भाई क्या किस तरीके से अप्लाई करना होता है, सब कुछ वो जानते हैं। इसीलिए मैं इतना डिटेल में अलग से एक वीडियो नहीं बनाता हूं। हाँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं वीकली जॉब अपडेट में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। मोस्टली सेम होता है, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा वो सब चाहिए होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 220 वैकेंसीज यहाँ पे है और 50,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त 2021 है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं NCBS की तरफ से रिक्रूटमेंट, जहां पे बैचलर्स डिग्री चाहिए, 2 वैकेंसीज है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और 25,000 आपको यहां पे सैलरी मिल जाएगी। बेंगलुरु लोकेशन रहेगा। सो एक्सपीरियंस वाली 2-3 वैकेंसीज मैंने डिस्कस की और उसमें अगर आप में से कोई है तो अप्लाई कर सकता है। इतना भी कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँ ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि इसका अभी फिलहाल के लिए कोई सेंस है, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं आप में से बहुत सारे जो है फ्रेशर्स है। सो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन पसंद आया होगा। एंड आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट पैक हमने रखा हुआ है वेबसाइट पे, जो कि 199 में आपको 100 मॉक टेस्ट मिल रही है एप्टीट्यूड की, जो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। देखो आप इन जितने भी नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया उसमें अगर मान लो आप SBI के लिए अप्लाई करते हो तो SBI की रिक्रूटमेंट के अंदर रिटन टेस्ट है। हाँ, सब में नहीं है लेकिन SBI के अंदर है। और जो भी ये तो परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब की जितनी भी एग्जाम्स अगर आप देते हो वहाँ रिटन टेस्ट होती है, उसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग काम लगता है। 199 में 100 मॉक टेस्ट मिल रही है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से चेक कर लेना। अगर आप एनरोल करना चाहते हो डायरेक्टली आपको ऑन द स्पॉट एक्सेस भी मिल जाएगी माई टेस्ट सेक्शन में जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनफैक्ट सारी लिंक्स जॉब्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक कर लेना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई होगी बिकॉज लाइट बहुत कम है जिसकी वजह से नॉइज आ रहा है, तो इस वीडियो के लिए संभाल लेना। नेक्स्ट वीडियो से रेगुलर जो हमारा सेटअप होता है उसी में वीडियो आएगी। मुझे थोड़ा जरूरी लगा वीकली जॉब अपडेट बनाना, इसीलिए आपको वीडियो दे रहा हूं। सो सिर्फ एक ही वीडियो।